सूर्य उपासना के पर्व डाला छठ पर अस्ताचल भगवान सूर्य को प्रथम अर्घ शुक्रवार की शाम को दिया गया। व्रती महिलाएं समूहों में छठ मैया का गीत गाते हुए गंगा घाटों पर पहुंची। कोरोना महामारी को देखते हुए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के बावजूद शहर के साथ ही सभी ग्रामीण क्षेत्र के गंगा घाटों, पोखरों एवं तालाबों पर श्रद्धालु महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ रही। घाटों पर बच्चों ने आतिशबाजियां भी की। इसके पहले बाजारों में पर्व से संबंधित सामग्रियों की जमकर खरीद हुई। जिले में दिन भर छठ पूजा की धूम रही। दिन में 3 बजे के बाद व्रती महिलाओं तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों का गंगा घाटों के लिए निकलने का क्रम शुरू हो गया। 4 बजते-बजते सभी गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। घाटों पर पहुंची व्रती महिलाओं ने सुपेली में फल, पान की पत्ती, सुपारी, नारियल, अगरोटा आदि पूजा संबंधित सामानों को लेकर गंगा घाटों पर पहुंची। इसके बाद वेदी को गंगा जल से धोकर धूप, अगरबत्ती जलाने और ईख को खड़ा कर कलश स्थापित किया। करीब 2 घंटे तक पूजन अर्चन किया। सूर्य अस्त से पहले व्रती महिलाएं गंगा में पहुंची और हाथों में सुपेली लेकर सूर्य की उपासना की। बाद में अस्त होते सूर्य को व्रती महिलाओं के पुत्र, पति, बेटी सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने 6 बार अर्घ दिया। शहर के कलेक्टर घाट, ददरी घाट, बड़ा महादेवा घाट, सिकंदरपुर घाट, चीतनाथ घाट, अंजही घाट, पोस्ता घाट, नवापुरा घाट, कोयला घाट, पत्थर घाट सहित अन्य घाटों पर आस्था उमड़ी। अर्घ का कार्य संपन्न होने के बाद व्रती महिलाएं तथा उनके परिवार के सदस्य घरों को लौट गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महापर्व की धूम रही। गंगा घाटों के साथ ही पोखरों और तालाबों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। गाजीपुर की ऐसी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।